अच्छा अभी तो कोई वो नहीं आया। अभी तो नहीं आया मुझे ना, उसको ये खत्म करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक लेवल पे बिजनेस है। अभी तो बच्चे अभी कोई आदेश नहीं, अभी तो बच्चे जा ही रहे हैं कोचिंग हमारे, कहाँ जाएंगे फिर। ये तो बहुत गलत डिसीजन है। अगर सही कोचिंग मिल जाए ना तो बच्चे बहुत। बता रहा हूँ आजकल तूफान है, बच्चे थोड़ी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग नहीं जा पाएंगे। इस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार के इस फैसले पर जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, यही हम जानने के लिए आए हैं। मैम आपसे जानना चाहूंगा, पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। पूजा शुक्ला। हाँ पूजा जी, मुझे एक चीज बताइए कि जैसे सरकार ने कहा कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग नहीं जाएंगे, कैसे मानती हैं आप इस फैसले को? ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों को कोचिंग में काफी डाउट क्लियर करते हैं, और स्कूलों में जो मैम कराती हैं क्वेश्चन कुछ भी है तो पूरी एक्सरसाइज नहीं क्लियर हो पाती है, बच्चों की बहुत क्वारी रह जाती है। अब वो कितना सिलेबस उन्हें पूरा करना पड़ता है, तो इसमें वो हर एक चीज तो नहीं करा पाएंगे जितना बच्चा कोचिंग में क्लियर करके सीख जाता है। तो मेरे ख्याल से कोचिंग तो बेस्ट है ही, जरूरी है कोचिंग। तो ऐसे में आप दिक्कतें आएंगी आप लोगों के सामने? बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हम भी इतना बच्चों को मैथ नहीं करा पाएंगे जो बच्चे कोचिंग में जाके कर पाएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि पहले की अगर बात करें कि जो पेरेंट्स हैं पेरेंट्स ही बच्चों को पढ़ाते थे, तो अब मतलब ऐसी क्या चीजें रही? पहले के टाइम में और अब के टाइम में पढ़ाई में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले के बच्चे तो बहुत कुछ कर जाते थे, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती थी इजीली, लेकिन आज की पढ़ाई बहुत टफ हो गई है। जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं क्लियर करवाते, और माँ बाप आजकल इतने बिजी हो गए हैं, जॉब में बाहर रहते हैं, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जो कि हमें कोचिंग जरूरी भेजना ही पड़ता है बच्चों को। स्कूलों में बच्चों को इतना क्लियर नहीं करा पाते, तो दिक्कतें मतलब बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कह रहे हैं कि आपने देखा कई जगह बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और बिल्कुल आप एक प्रेशर रहता, तो आपको लगता है कि उस हिसाब से ठीक है? नहीं नहीं प्रेशर तो बच्चों पे हर चीज का है ही आज के टाइम में, पढ़ाई को लेकर काफी प्रेशर है ही बच्चों को, लेकिन वो तो एक अलग ही चीज हो गई ना भाई। स्कूल का ही प्रेशर है, लेकिन ट्यूशन में तो बच्चों को काफी चीजें सिखाई जाती हैं, मतलब बच्चों को काफी चीजें क्लियर हो जाती है। अब ये है कि स्कूलों में मैडम कोर्स ही कंप्लीट करा पाती है, बच्चों को काफी चीजें जो नहीं समझ में आती है बच्चों को, तो वो ट्यूशन में आराम से सीख पाते हैं, काफी टाइम भी मिल जाता है बच्चों को। अच्छा। देखिए मैडम की तो बात सुन ली, सर इनसे भी बात कर लेता हूँ। सर आपसे जानना चाहूंगा, आपके बच्चे भी हैं कोचिंग जाते होंगे? हाँ जाते हैं। अच्छा सरकार ने जो फैसला लिया फिर क्या मानते चल रहे हैं? नहीं मैं तो इस सरकार के फैसले को सही नहीं मानता, क्योंकि देखो जो चीजें स्कूल में जो है पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती है, और आए दिन छुट्टियां, ये बहुत सारा चीजें हैं। कोचिंग में बच्चों के डाउट क्लियर होते हैं। देखो पढ़े लिखे हम भी हैं, लेकिन हम भी आज अगर कोशिश करें बच्चों को पढ़ाने की तो हम शायद नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई का लेवल जो है पहले से बहुत अलग हो गया है। और अगर सरकार को डिसीजन लेने ही है तो फालतू के डिसीजन क्यों ले रही है? सरकार को डिसीजन लेना है तो बच्चों के स्कूल में इतने महंगे महंगे स्कूल फीस ले रही है, फीस बढ़ा रही है, उस पर डिसीजन लेना, उस स्कूल की फीस कम कराए है। ये कोचिंग से बहुत सारे परिवार चल रहे हैं और सबका हम लोगों को सहूलियत है, हम पैसे दे रहे हैं, कैपेबल हैं, तभी तो बच्चों को भेज रहे हैं। अच्छा आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। तो आप घर से बाहर रहते हैं? मैं घर से बाहर रहता हूँ। अब एक बार बताओ, हम घर से बाहर रहेंगे जॉब करेंगे, मैं एक एक महीना घर से बाहर रहता हूँ, अब मैं बच्चों को या पढ़ाऊंगा या मैं अपनी जॉब करूंगा? पेरेंट्स सिर्फ पैसे लाके दे सकते हैं, बच्चों को फीस दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाना कोचिंग को ही पड़ेगा, स्कूल को। अरे आपको मेंटेन करना है तो स्कूल मेंटेन करो ना, स्कूल की को उस लेवल पे पढ़ाई लाओ। हम तो खुद चाहते हैं, अगर एक बार बताओ हमारे 5,000 रुपए 10,000 रुपए का ट्यूशन के बचेंगे तो कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा पैसे बचे? हम कोई शौक से थोड़ी भेज रहे हैं बच्चों को, हमारी मजबूरी है, स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो रही। सरकार जो देखो डिसीजन ले रही है सरकार, लेकिन सरकार को डिसीजन लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए, कोई भी डिसीजन थोपना नहीं चाहिए। ये डिसीजन गलत है, एज ए पेरेंट्स मैं मानता हूँ ये डिसीजन सरकार का गलत है। अच्छा आपको लगता है कि बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत इससे आएगी? पढ़ाई में बहुत दिक्कत आएगी, पढ़ाई का लेवल बहुत अलग हो गया है बच्चों को। अगर सरकार करना ही चाहती है तो आरक्षण खत्म करे ना। आज मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे को 90 नंबर लाने पड़ेंगे और 80 वाला जो नंबर लाएगा, जो 80 नंबर लाएगा वो मेरे बेटे तो पहले चला जाएगा। तो आरक्षण खत्म करो ना, हमें तो आरक्षण की टेंशन है। हमारा तो जनरल होके हम उसे प्राउड क्या करें, हम तो अपने आप को जनरल मान के, और हम तो कह रहे हैं कि जनरल क्यों है, हमें तो शेड्यूल कास्ट में डाल दो तुम, लेकिन हमें जॉब तो मिलेगी सरकारी। हम तो उल्टा जनरल हो गए, हम तो परेशान हो रहे हैं। जनरल को तो एक तरह से तुम खत्म कर रहे हो। अच्छा खत्म कर दो, तो मतलब आप क्या चाहते हैं सरकार से जो बच्चों के लिए फैसला लिया 16 साल से कम उम्र के? ये जो सरकार ने फैसला लिया है मैं इसे गलत मानता हूँ, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए।
अच्छा वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए। अच्छा सर एक चीज और कह दी, अगर आप इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर मान लो जाते हैं बच्चे तो उनपे 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, वो तो अब आपके बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं देखो काम तो सारे होंगे, अब ये जो सरकार को क्या है, सरकार को चाहिए कमाई, सरकार चाहती है कि स्कूल से या इधर उधर से सरकार को इनकम हो, कैसे ना कैसे कारण से सरकार ये बंद करना चाह रही है। लेकिन ये भी तो सोचे जो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब परिवार के हैं लेकिन इंटेलिजेंट हैं, वो कोचिंग करके अपने फीस देते हैं बच्चों को पढ़ा के, तो सरकार उस लेवल पे भी सोचे, सरकार जो भी सोच रही है गलत सोच रही है। देखो जो जो नहीं पढ़ा सकता वो तो नहीं पढ़ाता, जो कैपेबल है पढ़ाना चाहता है वो पढ़ाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। ठीक है सर, बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। दो पेरेंट्स की बात सुन ली, कुछ बच्चे भी उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? विधान शुक्ला। अच्छा विधान जी बताइए, अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब नहीं जा पाएंगे कोचिंग, फिर कैसे पढ़ाई करेंगे? फिर क्या कहते हैं, स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है तो हमें कोचिंग चलानी पड़ेगा। स्कूल वाले एक एक्सरसाइज करवा देते हैं उनमें एक दो क्वेश्चन, तो कोचिंग में तो पूरी एक्सरसाइज होती है, पूरा पूरा चैप्टर होता है, इसलिए हमें कोचिंग। कुछ कोचिंग वालों ने बताया आपको कि आप बताइएगा या कुछ ऐसा? नहीं अभी तो नहीं बताया, अभी तो मैं ट्यूशन नहीं जा रहा ना, मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए। अच्छा पेपर चल रहे हैं जी। आपको क्या लगता है बेटा, क्या नाम है आपका? अथर्व शुक्ला। अच्छा अथर्व बताइए कि जैसे कह दिया कि अब तो ट्यूशन नहीं जा पाएंगे 16 साल से कम बच्चे, क्या लग रहा है आपको? ये तो गलत है कि स्कूल में कुछ क्वेरी होती है मैम तो बस एक क्वेश्चन समझा देती है, पर ट्यूशन में सारे क्वेश्चन बताती है मैम, तो ये प्रॉब्लम डाउट क्लियर है बस ट्यूशन में होता है, स्कूल में अच्छे से डाउट क्लियर नहीं होता। तो आप जब ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन में होती है सारी चीजें डाउट्स क्लियर। अच्छा किस क्लास में है? अच्छा सिक्स क्लास में। तो देखिए तमाम जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बातें सुनी, सरकार के फैसले के खिलाफ ये लोग नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा फैसला करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, और इन पेरेंट्स ने तो यही मांग कर दी कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सनोज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।